नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी टाइम्स। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले अररिया जिला में विभिन्न संगठनों ने एक साथ जुट होकर सरकार के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला। पिछले दिनों पटना में हुए लाठीचार्ज के दौरान गिरफ्तार किए गए शिक्षकों को बिना शर्त रिहाई एवं मुकदमा वापस लेने तथा समान काम समान वेतन की मांग को लेकर आज अररिया समाहरणालय परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान वक्ताओं ने अपनी बातों को रखी एवं प्रतिरोध मार्च निकालकर रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहे होते हुए चांदनी चौक पर जाकर सभा में तब्दील हो गई। आइए देखते हैं अररिया से मिराज खान की रिपोर्ट। बिहार के गुरुओं अर्थात शिक्षकों की ये दशा की है, जो विद्यालय छोड़ के बार बार पटना गर्दनीबाग में करके हराया गया है। समान काम समान वेतन तो निश्चित मिलेगा, किसी राज में मिलेगा, इसी धरती पर मिलेगा, आपको जीव आपके जीवन काल में मिलेगा। बिल्कुल ही निंदनीय है, कहीं भी संतोषजनक नहीं है। बिहार के तमाम जिलों के साथ साथ अररिया जिला में जो 18 जुलाई को पटना में लाठी चार्ज हुआ था, हमारे निर्दोष शिक्षक साथियों को विभिन्न धाराओं में जेल में बंद किया गया है और समान काम समान वेतन समान सेवा शर्त को लेकर के अररिया जिला के तमाम शिक्षक एकजुट होकर के बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले यहाँ जो है आक्रोशपूर्ण मार्च कर रहे हैं। और इस मार्च के उपरांत जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा कि आप हमारे हकों को दबाइए नहीं, हमारे साथियों को छोड़िए और सभी शिक्षकों को एक साथ समान काम के लिए समान वेतन समान सेवा साथ दिया जाए। रंजीत कुमार, TTST न्यूज, शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष। नीतीश हुकूमत ही ने तकरीबन 15 साल से आज तक 4 लाख असातज़ा की बहाली की है। उन 4 लाख असातज़ा के तालीमो तालुम दरसो तदरीस के बदौलत बिहार ने तालीमी तरक्की का जो रिकॉर्ड कायम किया है वो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी रियासत में नहीं है। यही नहीं बल्कि हुकूमत बिहार ने अभी हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत के एदाद व शुमार दिखा कर ये बतलाने की कोशिश की, जो सच भी है, कि हुकूमत ने लिटरेसी रेट में नाकाबिल यकीन की हद तक कामयाबी हासिल की है। और हुकूमत बिहार ने ये भी बतलाया है कि ये उन्हीं असातज़ा की बदौलत है जिनको हमने पिछले 15 सालों से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यानी कि ठेके पर बहाल किया है, जिनको नियोजित जैसा लफ्ज मतलब कि दिया गया है। ये उन्हीं असातज़ा की बदौलत है कि आज हुकूमत बिहार की पूरी दुनिया में मतलब के बहुत ज़्यादा तारीफ़ और तौसीफ़ हो रही है। नीतीश कुमार को तालीम के तय एक तरह से तालीमी इनकलाब का सरबराह और सरखेल बतलाया जा रहा है। नीतीश हुकूमत की पीठ थपथपाई जा रही है, नीतीश के कारनामों की तारीफ़ और तौसीफ़ हो रही है। लिहाजा हुकूमत बिहार को और बिलखसूस वज़ीर आला नीतीश कुमार को ये बात अब समझ जानी चाहिए, उनको ये ज़रा सा एहसास कर लेना चाहिए कि आखिर हमने इतनी जो तारीफ़ें बटोरी हैं और हमारे हुकूमत का जो वक़ार और इकबाल इतना बुलंद हुआ है वो इन्हीं 4 लाख असातज़ा की बदौलत है। लिहाजा इन 4 लाख असातज़ा की जो जायज़ मांग है, समान काम समान वेतन यानी कि यकसा काम के लिए यकसा तनख्वाह और दीगर सहूलियात जो एक कर्मी को जो एक मुलाजिम को हुआ करता है, वो इसको कबूल कर लें ताकि रियासत की तालीमी तरक्की मजीद आगे बढ़ता रहे और यहाँ के बच्चों का यहाँ के होनहारों का मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन होता रहे। अब्दुल गनी, अध्यक्ष बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन जिला इकाई अररिया, सदस्य अध्यक्ष मंडल जिला संघर्ष समन्वय समिति जिला अररिया।